अगर स्पेशली देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र आता नहीं है इंडियन विकेट्स में। बस थोड़ा सा ये है कि आपको नई बॉल से हेल्प मिल जाए या फिर आपको पुरानी बॉल से आप अगर रिवर्स में थोड़ा सा कर पाएँ। बट यही है कि इंडियन कंडीशन में ऐसे फास्ट बॉलर आपको एरियाज़ ज़्यादा अच्छा रखना पड़ता है, आपको अपनी पेस मेंटेन करनी पड़ती है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट मतलब डिफरेंस था नहीं ऐसा कुछ, बट एक वही देख रहे थे कि हाँ रन तो आ रहे थे लेकिन एक अच्छा एरिया ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यार अगर आप देखो इस चीज़ को तो मेरे हिसाब से जब हम डोमेस्टिक खेल कर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि सारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर कर आए हैं यहाँ पे और होम कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहना गलत होगा कि हाँ स्पिनर्स के लिए हैं या फास्ट बॉलर्स के लिए। आप इंडिया के फास्ट बॉलर रिसेंट अभी अभी की सीरीज डोमेस्टिक सीज़न उठाकर देखो, फास्ट बॉलर्स ने अच्छे विकेट लिए हैं। हाँ आपको मेंटेन रखना पड़ता है कि आप किसी भी खा सकें, तो बातें बनती हैं आपको पता है, थोड़ा तो मसाला लगता है। बट इंडियन विकेटों में भी है अगर देखा जाए तो, कुछ नहीं मिलेगा तो रिवर्स मिलेगा। लगातार बॉलिंग कर रहे थे शुरुआत में, उस एंड से ऐसा लगा कि बाउंस थोड़ा बेटर था। नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा स्लो है। बट अगर आप फास्ट बॉलिंग अगर एरिया देखते हैं विकेट्स पे जहाँ पे अच्छा अच्छा लेंथ और लाइन जहाँ पे बताते हैं कि हाँ फास्ट बॉलर्स के लिए ये लाइन लेंथ होना चाहिए, वहाँ से आपने देखा विकेट्स पे बॉल निकल रहा है, बाउंस भी है। बट वही सेम सेम आ जाती हैं चीज़ें कि हाँ इंडिया में थोड़े से स्लोअर साइड होते ही हैं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट सेम चीज़ आप वही बोल बार बार तो नहीं बोल सकता कि हाँ हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। यार टॉस जीतना और हारना तो हाथ में नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो भी हो हमारा जो स्पेशली पूरी टीम का जो माइंडसेट रहता है कि डजन मैटर हम टॉस जीतते हैं या हारते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको उस फ्रेम में जाना ही नहीं है। आपको वो माइंडसेट रखना कि हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी फर्स्ट हम उसको अच्छे से डन करेंगे, हम उसी फ्रेम में रहते हैं हमेशा और पॉजिटिव आते हैं। आपने सारे लड़कों को देखा, अच्छा एफर्ट लगाते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, सब हंसते हैं बातें करते हैं। तो हम लोगों का यही है कि बस पूरा जितना भी सीरीज़ रहेगा डजन मैटर टॉस हम हारते हैं या जीतते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है हमारी टीम के लिए और हमारे रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो ज़्यादा क्यों सोचना। ऑल आउट तो यार हर जगह ही किया है, पहले भी किया था, आज भी किया है और आगे भी करेंगे। इंडिया में तो अल्लाह ने चाहा तो ऑल आउट होना ही है। हम नहीं करेंगे, स्पिनर करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही। शमी भाई, पिछले काफी सालों से हमारे फास्ट बॉलर्स के शॉर्ट बॉल का यूज इंडियन क्रिकेट पे बहुत अच्छा हुआ है, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी आपने और सुरेश यादव ने किया, आज भी इसीलिए बहुत अच्छे से डाल रहे थे। इससे आप स्पेसिफिकली क्या मतलब इंडियन क्रिकेट पे शॉर्ट बॉल डालने में मतलब आप किस चीज पे फोकस करते हैं, और लाइक यहाँ पे शॉर्ट बॉल डालना और ओवरसीज शॉर्ट बॉल डालने में कोई फर्क है? फ़र्क तो है बाउंस का, लेकिन हमारे दिमाग में वो शुरू से चीज़ें भर देते हैं ना कि इंडियन कंडीशन है, स्लो साइड है, फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से अच्छा वेपन है अगर शॉर्ट बॉल अगर यूज़ किया जाए इंडिया में भी, तो बाउंसर तो ऑलवेज रहता ही है अच्छा ऑप्शन, क्योंकि अगर निकल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं निकला तो और भी अच्छा है अगर शॉर्ट लेग लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से टीम ने जो प्लान किए हैं, टीम ने जो चेंजेस करते रहते हैं अंदर फील्ड के साथ जो खेलते रहते हैं, वो बहुत अच्छा है और उसके हिसाब से बाउंसर प्ले में रहना चाहिए। देखियो एक्सपेक्टेशंस तो कभी पूरी हुई नहीं है,
अगर देखा जाए तो, लेकिन एक डिसेंट स्कोर है मेरे हिसाब से, अच्छा है, क्योंकि अपोनेंट के पास एक ही फास्ट बॉलर है। हमको अगर फिर हमारी जैसी कंडीशन, जैसे अभी हम लोगों से सवाल हो रहे थे ना कि स्पिनिंग कंडीशन है, तो हम अपने होम में ही आ जाएंगे फिर वैसे। बस थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा टर्न को और बाउंस को थोड़ा सा देख के खेलना है, अदरवाइज़ उतना ज़्यादा स्कोर नहीं। अगर हमने लीड लिया या थोड़ा सा भी अच्छा डिसेंट लीड लिया तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। दोबारा रिपीट कर दो भैया। देखिए, किसी का मतलब कंपैरिजन किसी से करना ठीक नहीं है, क्योंकि बॉलर्स आते हैं चले जाते हैं, हम भी आए हैं, हम भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन एक पेयर का बनना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि हाँ पेयर में बॉलिंग करना, पेयर्स में जब हम बॉलिंग करते हैं उसके रिजल्ट हमने पिछले 6-7 सालों में देखे हैं इंडियन टीम के, तो बहुत ज़रूरी है। ये जो चेंजेस हैं हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट आपने जो देखी है पिछले 5-6-7 साल से, वो एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय कर कर जिए हैं, उसको ऐसे खेले हैं कि जैसे वो मेरी सक्सेस है। अगर दूसरा भी सक्सेस होता है तो वो उसका एक मेन रीज़न है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सब एक साथ आते हैं कि आज मुझे मिले हैं तो हम जब भी खुश हैं, कल तुम्हें मिलेंगे तब हम तब भी खुश होंगे, तो वो स्प्रिट जब आती है अंदर से सारे प्लेयर्स के एक साथ, उसके रिजल्ट एक अलग ही होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट अगर एग्जाम्पल देना है तो आप देख लो 6-7 साल में आपने क्या किया है।